हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम कहाँ की रहने वाली हैं आप? सिकरारा के बथुआ। सिकरारा बथुआ के। तो क्या मामला है जो आपका जो डिलीवरी हुआ था, क्या मामला था बताइए? डिलीवरी मेरा सिकरारा से, हम यहाँ पे आए 4 बजे, दिन था। कहाँ पे आए थे? एनएम सेंटर। हाँ, एनएम सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, तब तो पूनम तिवारी यहीं पे थी, उनका ड्यूटी था। तो वो कहने लगी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा बच्चा नॉर्मल पैदा करेंगे, अरे आज रात ही बच्चा होगा। तो वो मुझे भर्ती ले ली। तो जब 12 बज गया रात, तो कहने लगी मेरे बस का नहीं है, अरे जो है कि तुम्हें हम गाड़ी भेज के बुला कर भेज दे रहे हैं दूसरे डॉक्टर। हमने कहा कि नहीं, हमें जाना है सदर, आपके जब आपका बस नहीं था तो मुझे क्यों वहाँ पे रोकी? तब वो मुझे कह रहे थे नहीं चलो, वहाँ पे अच्छी डॉक्टरी है, वहाँ पे तुम्हारा देखभाल बढ़िया होगा, मुझे जबरदस्ती प्राइवेट गाड़ी बुला करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दी। कौन सा हॉस्पिटल था? आगमन हॉस्पिटल। हाँ, तब पूनम तिवारी भेजी जी। तब तो कह रहे थे चलो सुबह हम आएंगे आपके पास वहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। तब जब सुबह वहाँ पे गए तो वहाँ के डॉक्टर सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, जैसे धमकाने लगे कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तुम्हारा बच्चा भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएगा। तब तो हम कहे कि हम कहे डॉक्टर, हम तो कहे थे कि हमें सरकारी हॉस्पिटल भेजिए, सदर हॉस्पिटल। कहे कि अरे नहीं, वहाँ पे अच्छी डॉक्टरी है, वहाँ पे तुम्हारा देखभाल होगा, जब वहाँ से फोन लगाया गया कह रहे कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अच्छा, एक ऐसा कौन कह रहा था आपको? पूनम तिवारी डॉक्टर आए सरकारी। तब उसके बाद क्या हुआ? तो कहे जब टाँका काटने का ऑपरेशन हो गया। आपका ऑपरेशन हो गया? हाँ, ऑपरेशन हो गया। वहाँ कितना पैसा दिया आप? वहाँ पे 40,000 रुपए हमने दिया। अच्छा, हॉस्पिटल में। हाँ, उसके बाद जब टाँका काटने का समय आया तो 15,000 रुपए वो फिर से मांगने लगे, जैसे मांग करने लगे। अच्छा, वो हॉस्पिटल का आगमन हॉस्पिटल में आपने 40,000 रुपए दिया? हाँ, 40,000 रुपए हमने पहले ही दे चुके। अच्छा, तो उसके बाद फिर 15,000 क्यों मांग रहे थे? 15,000 इसलिए मांग रहे थे टाका काटने, जैसे कि टाका तब ही काटेंगे जब 15,000 रुपए आप हमें दोगी। तो हमने कहा कि 15,000 रुपए टाका काटने का लगता है? तब कहा कि नहीं, मुझे 15,000 रुपए चाहिए, मुझे दवा का है ये, और उसका जैसे सुई दवाई के है, सब कुछ मिला करके 15,000 रुपए। हाँ, तब उसके बाद आप वहाँ टाका नहीं कटा आपका? नहीं, टाका नहीं कटा। मेरे पति को वहाँ से धमकी दे रहे, गाली दे रहे थे, कह रहे कि ऊपर आओ, छत पर आओ, वहाँ पे वहीं से ढकेल देंगे, मर जाओगे। कौन ऐसा दे रहा धमकी? वहीं के डॉक्टर, आगमन हॉस्पिटल के डॉक्टर। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे टाका मेरा नहीं काटा गया। तब कहाँ कटा? हम आए यहाँ पकड़ी ब्लॉक सरकारी हॉस्पिटल। पकड़ी ब्लॉक आए तो वहाँ के जो है जो सबसे बड़े डॉक्टर है, क्या नाम, पटेल डॉक्टर है वहाँ पे। जब वो हमारे टाका काटे तो हमारे वीडियो बना चुके जब, तब कह रहे थे चलो ठीक है, हम तुम्हें पैसा कौड़ी दिलवा देंगे और कहीं पर मत जाओ, यहाँ से सब कुछ खत्म कर दो, अपना देखभाल करो, अपने अच्छे से जैसे खान पीन करो। तो हमने कहा कि नहीं, हमें पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे, एसएस साहब के साथ ही कर चुकी है, हमारे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ कर चुकी है। अच्छा, कौन कर चुका है ऐसा बहुत बार? पूनम तिवारी डॉक्टर आए सरकारी। तो आप उनके लापरवाही की वजह से आप 50,000 रुपए के नुकसान में चले गए। हाँ, 50,000। आपका बच्चा है ही नहीं? नहीं, बच्चा मेरा एक्सपायर हो चुका है, 1 महीने पहले मेरा डिलीवरी कराई है वो, 1 महीने पहले। अच्छा, आपका बच्चा खत्म हो गया? हाँ, हमारा बच्चा खत्म हो गया ऑपरेशन। अच्छा, द्वारा डिलीवरी। ये बताइए, और क्या कुछ धमकी आप कह रहे थे डीएम कहाँ जाएंगे? हाँ, डीएम साहब कहाँ जाओ, डीएम साहब के डीएम या एसडीएम को हम जेब में लेकर चलते हैं, क्या कर लेंगे वो लोग? ऐसा कौन कह रहा था? पूनम तिवारी डॉक्टर आए सरकारी हॉस्पिटल के हैं। अच्छा, जो अच्छा मुझे ऐसा आपको कह रहे थे? हाँ, ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, यहाँ जब आए पैसे वैसे लिए थे कुछ पैसा? हाँ, 2,500 रुपए यहाँ पे हम खुद ही दिए थे अपने हाथ से। अच्छा, आप उनको दिए? पूनम तिवारी को दिए थे। ठीक, और हमेशा फोन भी जाता है हमारे पास, इसी हमारे मोबाइल पे फोन जाता है। और दरखास्त आप कहाँ कहाँ दिए हैं? दरखास्त हम सीएमओ ऑफिस दिए हैं, डीएम ऑफिस दिए हैं, लखनऊ ऑफिस दिए, सख्त जैसे हम दे चुके हैं। आप दरखास्त दे चुके? हाँ, दरखास्त दे चुके। डॉक्टर एस के पटेल जी आपसे कह रहे थे यहीं से रफा दफा कर दो। हाँ, यहीं से रफा दफा कर दो, हमसे पैसा, जैसे हम पैसा दिलवा देंगे आपको, सब कहानी यहीं से खत्म कर दो। वहाँ पे जाओगी तुम्हें डीएम साहब गाली देंगे, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, और तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा।